हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है अंकुरित दाल से नाश्ता और पराठा बनाना। तो आइए बनाते हैं अंकुरित दाल और पराठा। अंकुरित दाल बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी दाल ली है, ये मूंग साबुत है, इसको हम भिगो देते हैं। ये मैंने एक पतीला लिया है, इसमें ये एक कटोरी दाल डालूंगी और इसको मैं भिगो दूंगी। और ये मैंने दाल को पानी में भिगो दिया है, अब मैं इसे रात भर के लिए भीगने दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे कपड़े में बांधकर रख दूंगी। ये मैंने दाल को रात भर के लिए ढक के भीगने के लिए छोड़ दिया है। तो आइए देखते हैं हम अपनी दाल को, और ये हमारी दाल भीग कर कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका पानी छान लेती हूँ। और ये मैंने दाल को अच्छे से छान लिया है, अब मैं इसे एक कपड़े में बांधकर रखूँगी। और ये मैंने एक कपड़ा छलनी के ऊपर धो के और अच्छे से निचोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ये दाल डाल दूँगी। और अब मैं इस कपड़े को अच्छे से लपेट लूंगी। इस प्रकार से इसे ढक के अच्छे से कपड़े से मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारी दाल अच्छे से अंकुरित हो जाए। तो आइए हम दाल को चेक करते हैं। ये देखो कितने अच्छे से हमारी दाल अंकुरित हो चुकी है। अब हम इसकी चाट बनाएंगे और साथ में हम पराठे के साथ सर्व करेंगे इसको। ये मैंने कढ़ाई ली है और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और जीरा हमारा रोस्ट हो चुका है, भुन चुका है। अब मैं इसमें एक प्याज डाल दूंगी, ये मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर रखा है। साथ ही मैं इसमें ये अदरक के टुकड़े जो बारीक बारीक कटे हुए हैं, एक हरी मिर्च को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी इसी में डाल दूंगी। प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं है। अब मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इसे बारीक टुकड़ों में कट करा है। साथ ही मैं इसके आलू डाल दूंगी, 2 आलू लिए हैं मैंने उबले हुए और इनके भी मैंने टुकड़े कर लिए हैं, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये अंकुरित दाल को मैं इसमें निकाल लेती हूँ छलनी के अंदर, इतने बढ़िया से अंकुरित हुए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करूंगी, नमक स्वाद अनुसार। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसमें 1 छोटा सर्विंग स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। ये छोटा चम्मच का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही मैं ये अंकुरित दाल डाल दूंगी इसमें। और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी। जब तक ये हमारी दाल
पकती है। ये मैंने आटा लिया है, चार पेड़े लिए हैं, तब तक मैं पराठा बनाकर तैयार कर लेती हूँ प्लेन। और ये मैंने ऑयल लगा दिया है इसमें। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसी प्रकार से मैं दूसरा पराठा भी बेल लूंगी। और अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी। ये हमारा पराठा सीकर तैयार हो चुका है। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैं अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और इधर हमारी ये अंकुरित दाल बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ इसे। आप चाहे इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने ये दोनों नहीं डाले हैं। ये हमारा अंकुरित दाल और पराठा का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।